कि अब राहुल बाबा जी जब मोदी मोदी सुनते हैं तो उनसे भी फ्लाइंग किस निकल जाता है। घंटे में कोरोना का एक प्रकरण नया आया है, दो लोग ठीक होकर के अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण प्रदेश में 6 एक्टिव केस वर्तमान में हैं, जो पिछले 24 घंटे में सैंपल कलेक्शन हुआ वो 1,350 लोगों का सैंपल कलेक्शन हुआ है। संक्रमण दर वर्तमान में 0.07 है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 स्थिर हमारी बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही पुलिस का कोई संक्रमित केस वर्तमान में प्रचलन में है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 1,295 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जो अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,59,192 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। एक और विषय आपके माध्यम से मैं देना चाहता था कि मध्य प्रदेश में जो साइबर हैक करने की और वैसी शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी, अब एक साइबर सुरक्षा और आपातकालीन घटना के बचाव के लिए राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम का गठन किया जाने का तय कर रहे हैं। और ये इसकी स्थापना के साथ ही साइबर अटैक के परिस्थिति और वर्तमान घटनाओं पर यथोचित निर्णय ये लेंगी। इसमें चीफ सेक्रेटरी जो है CS की अध्यक्षता में यह समिति होगी। इसमें ACS होम, राष्ट्रीय सर्टिन के अधिकारी, अमियन साइबर के ऐसे कुल 14 सदस्य इसमें रहेंगे। साइबर सुरक्षा और इसकी संरचना के लिए 21 पदों के निर्माण का भी तय करने जा रहे हैं और बजट भी इसमें 215.54 लाख की स्वीकृति शासन के द्वारा दी जा रही है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कभी भी कि जिससे यहाँ तक की नौबत आए कि न्यायालय को बीच में आना पड़े, और वो लगातार इस तरह का बोलते हैं जिससे विभाजन या किसी की मन को ठेस लगती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री टाइम उन्होंने कहा था कि लव जिहाद को लेकर और सख्त कानून मध्य प्रदेश सरकार लाएगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कह रहे हैं कि इस तरीके से लव जिहाद होता ही नहीं, ये सब फर्जी है, आप लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लव जिहाद है नहीं, फर्जी है। जो स्वाभाविक रूप से उनको फर्जी ही दिखाई देगा, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से इन चीज़ों का समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ ही इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं देश के अंदर। ये भी आप देखें तो इससे विपक्ष का और कांग्रेस का सोच उजागर होता है। कमलनाथ जी जिस शास्त्रार्थ की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनका ज्ञान ज्यादा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के जैक एंड जिल राहुल बाबा को हिल से गिरा कर ही मानेंगे। ये अपनी जुबान से भारत विरोधी बयान देने में एक तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे जिनने इनकी यात्रा निकलवा दी, और एक कमलनाथ जी हैं जो बाबा को साथ साथ की कह रहे हैं। इससे आप दोनों के भाव को समझ लें। शास्त्रार्थ कराने की बात तो वैसी ही हो गई जैसे किसी छठवें क्लास के बच्चे को आप 39 का पहाड़ा बोल लेगा कह दो। अब ये मोदी जी की गजब की स्वीकार्यता है कि अब राहुल बाबा जी जब मोदी मोदी सुनते हैं तो उनसे भी फ्लाइंग किस निकल जाता है। इंदौर में जो निकल के राजस्थान पहुंच गई है, कांग्रेस का ऐसा मानना है कि इस यात्रा से काफी फर्क पड़ेगा 2023 के चुनाव में काफी ज्यादा सफलता कांग्रेस की। सफलता की उनकी यात्रा के रुझान तो आना प्रारंभ है, कल एग्जिट पोल देखा होगा आपने, ये उनकी यात्रा के रुझान है। गुजरात से भी ज़्यादा खराब हालत जिन जिन प्रदेशों से यात्रा निकली है ना, जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के तहाँ तहाँ मंटाधार है। आप देख लेना इसका परिणाम जो सामने आएगा, आप सब भी उसके साक्षी होंगे। और मैंने प्रारंभ में भी कहा था, एग्जिट पोल जो है